नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिस इज मयूर दस तिवारी, वेलकम्स यू ऑल ऑन लिटरेचर पे चर्चा। सो लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग ब्रिटिश हिस्ट्री, एंड आई हैव कवर्ड टिल एलिजाबेथन एज, तो उसके आगे भी बात करनी जरूरी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैकोबियन एज। ठीक है जी, ये जो कहानी है, इस पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। इस एज के अंदर क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन सी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सब समझाने की कोशिश करूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ। सो लेट्स डिस्कस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि एलिजाबेथ एज का जो पीरियड है वो हमने पूरा पढ़ा। अब क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, होता क्या है, मैं हिस्ट्री की बात करूंगा जी आपसे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि भाई ये एज के बाद चीजें कैसे निकल के आ रही हैं, या फिर जब क्वीन एलिजाबेथ 24 मार्च 1603 को जब उनकी डेथ हो जाती है, उस टाइम इंग्लैंड की क्या सिचुएशन है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको बता दिया कि इस डेट को क्वीन एलिजाबेथ की हो जाती है डेथ। ठीक है, सो नाउ इंग्लैंड हैज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स कि भाई अब हमारा सर्वे सर्वा अन्नदाता किंग होगा कौन। ठीक है, सवाल यहां पर ये है, तो अब सवाल को मिटाना भी होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। होता है क्या है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक, अपनी जिंदगी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। पीछे लेके चलने पर पता चलता है कि एक होते हैं हमारे किंग हेनरी सेवंथ। क्या होते हैं, हेनरी सेवंथ। ठीक है, इनके एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम होता है हेनरी एट्थ, और बेटी का नाम होता है मार्गरेट ट्यूडोर। ठीक है, ये अपन बात कर लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा सिंपल तरीके समझाऊंगा, कहानी सारी की सारी आपको समझ में आने वाली है। अब क्या होता है, इन्होंने की जिंदगी में 6 शादियां, जिसमें इनको 3 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एडवर्ड, मेरी और एलिजाबेथ। ठीक है जी, यहां तक बात सुनवाई, अभी इस पे आता हूं, पहले उधर चलते हैं। मार्गरेट ट्यूडर की जो शादी है हेनरी सेवंथ ने जेम्स फोर्थ से करवाई। ठीक है जी, अब जेम्स फोर्थ कौन है, जेम्स फोर्थ है स्कॉटलैंड के किंग। ठीक है जी, उस टाइम बहुत सारा लफड़ा चल रहा था, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वाज हैविंग अ ग्रेट फाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हेनरी सेवंथ ने पूछा कि भाई साहब क्या है, जहां पे अपने वो संकट मिटाने हैं वहां पे शादी करके देखते हैं, अपनी बेटी को वहां पे जो है शादी करके भेजते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ टेंशन जो है कम होती है। तो टेंशन बिल्कुल कम हुई, इनकी शादी हुई। ठीक है, स्कॉटलैंड से इनके संबंध बड़े अच्छे हुए। फिर क्या होता है, फिर वहां पे इनका एक बेटा होता है दोनों का, जिसका नाम है जेम्स फिफ्थ। देखो जिंदगी में क्या है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वालों के पास नामों की बड़ी कमी है सर। ठीक है, अपने यहां जैसे नहीं है कि एक आदमी के 15-15, 20-20 नाम है, घर वाले कुछ उसको नाम अगर पंकज है तो पंकू बुला रहे हैं। ठीक है, या ओहो घर का नाम राज रख रखा है, बाबू सोना अलग से नाम रख रखा है। यहाँ पे अपने क्या है, यहाँ पे फिक्स नाम है, नाम ही नहीं है इनके पास, जेम्स फोर्थ फिर जेम्स फिफ्थ। ठीक है, जेम्स फिफ्थ की भी शादी हुई, आदमी है भाई, बड़ा आदमी है, किंग है तो शादी तो होनी है, शादी हुई इनकी मेरी गूस के साथ। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां पे होता है जन्म एक बहुत बड़े फिगर का, जो दोनों के इतिहास में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड शी इज मेरी फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो मेरी फर्स्ट का फिगर है, शी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इनसे कनेक्टेड है एलिजाबेथ, एंड दे आर बेसिकली कजिन्स। मेरी फर्स्ट ने की जिंदगी में 3 शादियां, ठीक है, जिसमें से एक की इनके फर्स्ट टाइम विडो हुई, फिर सेकंड टाइम विडो हुई, फिर थर्ड टाइम एक अलग सीन हुआ, फिर बाद में एलिजाबेथ ने इनको एग्जीक्यूट किया। क्यों किया, क्यों नहीं किया, वो हमारे अभी काम की कहानी काम की नहीं है, वो कभी और बात करेंगे। जो हमारे काम की है वो ये है कि मेरी फर्स्ट को इनसे एक बच्चा होता है, उनके सेकेंड पति से बच्चा होता है, जिसका नाम होता है जेम्स द सिक्स्थ। जेम्स फोर्थ, जेम्स फिफ्थ, जेम्स द सिक्स्थ। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमें पता है भाई क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, अभी कोई भी किंग नहीं है इंग्लैंड का,
तो वहां पर एक पार्लियामेंटेरियन होता है हमारे इंग्लैंड के अंदर। देखो राजनेताओं के पास इतना दिमाग होता है ना भाई साहब, उतना तो किसी के पास ही नहीं होता है, ये कहानी है। तो रॉबर्ट सेसिल ने सोचा कि यार जिंदगी में क्या है, देखो अगर यहाँ पे किंग नहीं आता है, इफ इंग्लैंड इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ किंग एट दैट टाइम, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग मेस। उस बिग मेस को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैं बात करता हूं हमारे स्कॉटलैंड वाले भैया से कि भाई साहब क्या है, खाली बैठे हो जिंदगी में, ठीक है एक राज्य चला रहे हो, ऐसा करो अपने वो दूसरा नानेर यहाँ पे चल लो, वहां पर भी अपना काम कर लो, वहां पर भी क्या करो अपनी सरकार बनाओ, आपको किंग बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो जेम्स ने कहा ठीक है भाई मैं तो चलूंगा ही, वैसे भी हमारा हक था, मेरा नहीं तो मेरी मम्मी का हक तो था ही, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। एलिजाबेथ जो कि एक प्रोटेस्टेंट थी, अब जो जिसको किंग बनाने की बात चल रही है, he is basically a pure-hearted Catholic। तो ये जो बंदा है यहाँ पे रॉबर्ट सेसिल, जो सबको मना लेता है कि भाई ऐसा है हमारे पास तो किंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं हुआ, डेवलपमेंट कैसे होगा, सारी चीजें कैसे होगी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस टाइम क्या होता है, सबसे बात करके जेम्स सिक्स जो कि स्कॉटलैंड के होते हैं उनको इंग्लैंड का किंग बनाता है और वहां पे उनका नाम पड़ता है जेम्स द फर्स्ट, ठीक है। अभी ये यहां पे जेम्स सिक्स थे पर इससे पहले इंग्लैंड में कभी जेम्स नाम का बंदा हुआ नहीं, तो यहां पे क्या नाम आया, जेम्स द फर्स्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये इंग्लैंड के किंग बने तो ऑब्वियसली है स्कॉटलैंड के भी बनेंगे और स्कॉटलैंड के साथ साथ आयरलैंड के भी बनेंगे। तो 1603 के अंदर ही ये तीन जगहों के किंग बने और इन तीनों की कहानियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर हिस्ट्री की बात करें, किंग बने कैसे, उसकी ये सारी की सारी कहानी है। और इन्होंने राज किया सर 1603 से लेकर 1625 तक, ठीक है जी। आपको कोशिश की है मैंने कि हिस्ट्री समझाऊं आपको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। आई होप आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन इस एज का समझ में आया होगा। एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एज, स्पेशली द लिटरेचर विच वॉज रिटन इन टू दिस एज, आई विल बी कवरिंग दैट इन टू माई नेक्स्ट वीडियोज। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।